अधिवक्ता रघुपति की गिरफ्तारी के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। गाजीपुर में अधिवक्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिविल बार, कलेक्टर बार और सेंट्रल बार के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर आज दिन भर कार्य से विरत रहे। अधिवक्ता रघुपति यादव के खिलाफ किए गए कार्यवाही व गिरफ्तारी को सरासर तानाशाही बताया। अधिवक्ता रघुपति यादव का वाराणसी गोरखपुर फोरलेन हाईवे पर सकृति गांव के पास की जमीन को अधिग्रहित किया गया है, जिसका शासन की तरफ से न ही कोई अभी तक मुआवजा दिया गया, न ही ऑर्डर सील पर साइन कराया गया। उक्त जमीन पर बिना मुआवजा दिए और साइन के बगैर कार्य निर्माण कराया जा रहा था, जिसे अधिवक्ता रघुपति यादव ने मालिकाना हक के मद्देनजर कार्य को रुकवा दिया, जिसके चलते एसडीएम सदर ने अधिवक्ता रघुपति यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसडीएम के तानाशाही रवैये से खफा अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर कार्य बहिष्कार किया। प्रमोद कुमार, गाजीपुर, समाचार 24। सिविल बार संघ गाजीपुर के अध्यक्ष हैं। जी, किस मुद्दे पर जो है कि आज जो है आपको सड़क पे आना पड़ा? ऐसा है कि इलीगल कार्य जो है हमारे जब प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक अधिकारी करने लगते हैं तो उसका विरोध अधिवक्ता ही कर सकता है, और कोई बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा नहीं है समाज में जो इलीगल कार्य का विरोध कर सके। कल एसडीएम द्वारा सरासर नियम की धज्जियां उड़ाई गई, और जो 157(51) में छोड़ा जाना चाहिए था उसको अधिवक्ता को अमानवीय कृत्य न खारिजा दिया, और न जो है आगे ऑर्डर सीट पर साइन कराया, और नहीं तो जो है कि सदर कोतवाल को वारंट थमा दिए, जबरी ले जाओ। ये अमानवीय कृत्य है, ये लीगल वर्क नहीं है। सबके लिए लीगल, सबके लिए विधि सामान्य, इसलिए इससे उद्वेलित होकर अधिवक्ता हमारे जो है उद्वेलित हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता को अवैधानिक तरीके से जो निरुद्ध किया गया है उसको जो है अविलंब छोड़ा जाए। एसडीएम ने जो इस तरह की कार्रवाई की है उसको जो है उसका निलंबन किया जाए, और उसका जो केस ला दी गई है गलत तरीके से उसे वापस लिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है, मांग अगर पूरी नहीं होती है तो अनवरत ये जो है कि हम लोग इसका अनवरत विरोध करेंगे और न्यायिक कार्य ठप कर देंगे। सिंह एडवोकेट, क्या मामला है सर? पहले मैं पूर्व महासचिव सिविल बार संघ गाजीपुर। मामला ये है कि एक अधिवक्ता साथी को, पहले आप मामले के प्रकरण को इस समय छोड़ दें, इसलिए वो अपने परिवार के लीगल राइट को लेकर वो व्यक्ति के वो सवाल किया था प्रशासन से कि नेशनल हाईवे में अगर उसकी जमीन जा रही है बगैर मुआवजे के, उसके जमीन का इंक्रोचमेंट शासन कैसे करे? इसका निदान ये नहीं जबरदस्ती उसको चेज कर लो, उठा लो। एसडीएम सदर ने जबरदस्ती किया, लाने के बाद लीगल राइट है बेल 107(16) में, 107(16) में कानूनी अधिकार है, एसडीएम बेल खारिज नहीं कर सकता। लेकिन हम अधिवक्ताओं के हमारे राइट को देखने के बावजूद भी ये शासन के अहंकार में किसने जेल भेज दिया, कल की तारीख है, किन कारणों में कल की तारीख है? एसडीएम का इस मनमाने रवैये कृत्य के विरोध में ये लोग वकीलों के साथ खेलने का इन लोगों ने प्रयास किया है, वकीलों के वजूद को उकसाने का इन लोगों ने प्रयास किया है, इनको एहसास नहीं है। ये मेरा प्रतीक जो आज आंदोलन है, पुनः हम वो मीटिंग करेंगे, इसके बाद इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप देंगे, जिले के अधिवक्ता संगठित होंगे इस समय, लेकिन जिस समय सैलाब वकीलों का आ जाएगा शासन को इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी मांग है कि एसडीएम को निलंबित करो, इसलिए कि इसने गैर कानूनी, अगर आपकी मांग पूरी नहीं किया तो आपको भटक जाएंगे। और जब मांग नहीं पूरी होगी तो हम जिले स्तर पर और